खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला मुख्यालय के संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर में आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इसी दौरान प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य दीपक नौटियाल ने बताया कि श्रावण मास में नाग पंचमी पर शिव मंदिरों में की गई पूजा का बड़ा महत्व है। यह ऐसी मान्यता है कि नौ ग्रहों के साथ काल सर्प की भी पूजा होने से मनुष्य पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाले कष्टों का भी निवारण होता है। इसीलिए नागपंचमी यानी काल सर्प की पूजा को शिव मंदिर या गंगा के पावन तट पर किया जाता है। वही रुद्रनाथ भगवान के मंदिर में भी भक्तों के साथ साथ सांस्कृतिक महाविद्यालय के छात्रों द्वारा भी विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व कल्याण और शांति के लिए प्रार्थना की गई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रावण मास नाग पंचमी इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है और इस दिन जो है कि काल सर्प योग का भी पूजन करते हैं। काल सर्प में जो है कि राव और शेतु के बीच में जो ग्रह आते हैं उनके शांति के लिए, उन ग्रह की अनुकूलता के लिए बाबा शंकर से प्रार्थना की जाती है कि हमारा जीवन सुखमय हो। और विद्वत ब्राह्मण के द्वारा ही यहाँ पर अमुक अमुक जो भी स्थान जहाँ भी शिवालय हैं कई जगह नदी के तट पर भी इसकी पूजा की जाती है और श्रावण में तो इस पूजन का विशेष ही फल है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उसमें शांति हो और सभी का कल्याण हो और समस्त ग्रहों की देवी शांति के लिए बाबा शंकर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री जगन्नाथ। शुभकामना। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भगवान रुद्रनाथ का प्रांगण है और यहाँ पर श्रावण के महीने में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करके बहुत पुण्य का फल पुण्य फल प्राप्त होता है। आग नाग पंचमी है, नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर अनेकों लोग अपने काल सर्प योग का निदान करने के लिए पहुँचे हैं भगवान रुद्रनाथ के प्रांगण में। और आप सभी को पुनः एक बार नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आइए, दर्शन कीजिए, यहाँ का माध्यम यहाँ के दर्शन इस कलिकाल में दुर्लभ है। आपको सभी को फिर पुनः एक बार श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और नाग पंचमी की।